से ना, कहाँ छुपाया है सबने? रानी परी, कहाँ छुपा के रखी है मेरी सेना? बताओ मेरी सेना कहाँ है? सेना को जहां पर होना चाहिए वो वहीं पर है महाविनाशिनी, लेकिन तुम उस सेना तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। हाँ महाविनाशिनी, हमें बहुत पहले पता चल चुका था कि किस तरह तुमने अपने छल से बुराई नाशक बाणों से खुद को बचाया था और कितनी ही चालाकी से तुमने सत्य समर्पण पहाड़ को पार कर लिया था। महाविनाशिनी, तुमने हमारे साथ इतना कुछ किया तो भला हम तुम पर विश्वास कैसे कर सकते थे? और इसीलिए इन चारों सेनापतियों को तुम्हारे पास भेजने के बाद हमने इनकी सेना को किसी गुप्त सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया है। अब तुम सदियों तक ढूंढती रहो महाविनाशिनी, फिर भी तुम्हें वो सेना का पता नहीं चलेगा। तुमने केवल आधा ही युद्ध जीता है महाविनाशिनी, क्योंकि उस सेना की मदद के बिना तुम इस दुनिया की सच्चाई और अच्छाई को कभी नहीं मिटा सकती। मेरी आंखें, रोहित मेरी आंखें जल रही है, रोहित मेरी आंखें, अरे ये चूहे का पिंजरा यहाँ कैसे आया? लगता है घर में चोर आए थे। नहीं नहीं दादाजी, चोर आते तो चूहे का पिंजरा यहाँ क्यों रखते? हाँ अरे रोहित तेरा डिस्कशन बाद में कर, पहले मेरे पैर को निकाल। अरे पैर छुड़ा उसके, पैर छुड़ा। अरे बेटा जलन हो रही है, तो एक काम कर बाथरूम में जाके पानी से मुंह धो ले। हाँ, नहीं 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 दादाजी, अगर मोंटू बॉस पानी से मुंह धोएंगे तो मोंटू बॉस को खुजली हो जाएगी। पानी से कैसे खुजली होगी? हाँ पानी से थोड़ी ना खुजली होती है रोहित। हाँ नहीं होती वो तो। दादाजी मैं घर जाके मुंह धो लूंगा। अरे लेकिन तू ऐसा मुंह लेके जाएगा, एक काम कर टॉवेल से तेरा मुंह पोछ ले, मैं लेके आता हूँ टॉवेल। बच गए, सॉरी सॉरी सॉरी, दूर दूर दूर, चल भागते। हाँ बॉस आ गया टॉवेल, चलो 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 चल बेटा, चल चल बाथरूम में। मैं सब परियों को आखिरी चेतावनी देती हूँ, सेना का पता बता दो मुझे वरना कोई नहीं बचेगा। महाविनाशिनी के क्रोध की अग्नि में सब जलकर भस्म हो जाएंगे। महाविनाशिनी, जो सच्चाई और अच्छाई के पक्ष में होता है वो अपने अंत से नहीं डरता। जाओ महाविनाशिनी, तुम्हें जो करना है तुम कर, लेकिन हम तुम्हें सेनापतियों के बारे में नहीं बताएंगे। सेनापतियों आक्रमण! रुक जाओ सेनापतियों, शाबाश महाविनाशिनी,
समझदार तो तुम भी हो, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुमने हमारा अंत कर दिया तो तुम्हें सेना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अच्छी चाल चली है रानी परी, मत दो सेना का पता, मुझे तुम्हारा आह्वान स्वीकार है। इस बार मैं तुम्हारी पीठ पीछे से नहीं, तुम्हारे सामने आकर वार करूंगी, तुम्हारे सामने सारी सेना को ढूंढूंगी, उन्हें जीवित करूंगी, इस दुनिया से सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिटा दूंगी। और तुम देखती रहोगी रानी परे, कुछ नहीं कर पाओगे। खुजली हो रही है बेटा? अरे बेटा बेटा, ये ले तेरे लिए सॉरी कार्ड और चॉकलेट, क्योंकि हमने तुझे बहुत उल्लू बनाया, लेकिन अब हमें रियलाइज हो गया है कि ये सब हमारी ही गलती है। प्लीज हमें माफ कर दे, ये ले ले। प्लीज यार, ये ले, ये भी ले ले, ये ले, ये भी ले ले। अरे दादाजी, इस मोंटू को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? उसे खुजली हुई है बेटा। हाँ, हमें तो उसे थैंक्स कहना चाहिए, उसने हमें बचाया। कैसे दादाजी? बेटा, हमारे घर में चोर घुसाया था, उसने चोरी तो नहीं की, लेकिन क्या किया मालूम है? सोचो, उसके जगह पे हम होते तो ये सारे ट्रैप हमारे साथ होते कि नहीं? हाँ। मोंटू, थैंक यू, हम तुझे बुरा समझते थे, लेकिन तू उतना भी बुरा नहीं है, है ना? पता नहीं, ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। मानो थोड़ा खुजा देना यार। हाँ। आजा। बनाई हुई सेना को आजाद कराने वाली ये चाबी किसी भी हाल में महाविनाशनी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। हाँ रानी परी, वरना वो हर तरफ से उस सेना की मदद से अच्छाई को मिटा देगी। तुम यहां कैसे पहुंच गई? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, चालाक हूं। और तुम रानी पर मुझे चुनौती दे रही थी कि सेना को आजाद करने की चाबी मैं कभी पा नहीं सकूंगी, और अभी तुम सब यहां इकट्ठा हो गए एक ही जगह पर। चुनौती तो हमारी अब भी कायम है महाविनाशनी, क्योंकि तुम इस चाबी को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगी।
कौन रोकेगा हमें रानी परी, क्योंकि चाबी हमारे सामने है और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हमारा मुकाबला करके हमें रोक सको। हम सब मिलकर रोकेंगे तुम्हें। कदम बढ़ाया वरना सच्चाई और अच्छाई का विनाश तुम सबके विनाश के साथ शुरू होगा। ब्लॉक अब आएगा असली मजा। अब जैसे ही कोई बच्चा आएगा और इस बैरियर को क्रॉस करेगा, मैं इसे ऐसे खोल दूंगा और फिर उसे लगेगा कि उसकी पैंट फट गई। मोंटोस, हाँ अभी मोंटोस को बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मोंटू बॉस को बताता नहीं, मोंटू बॉस को दिखाता हूं। मेरा पहला शिकार होगा मोंटू बॉस। पता नहीं रोहित का चला गया, किस बेवकूफ ने लगा कर रखा है यहाँ पे। बेवकूफ तो आप बनने वाले हो बॉस। पैंट फट गई क्या? दिखा पैंट। तुझे कैसे पता? अरे मोंटू बॉस, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की पैंट फटी है, पूरे स्कूल को आवाज सुनाई दिए। दिखा दिखा बॉस कहाँ फटी है। अरे दिखा, अरे दिखा बॉस, बताओ बॉस। चुप, क्या हो मोंटू बॉस, हाथ नहीं उठ रहा है? तो पैर उठा ना, उठा उठा। मोंटू बॉस आप नहीं देख पाओगे, मैं ही देखता हूं। अरे दिखाओ मोंटू बॉस। अरे मोंटू बॉस कोई पैंट वैंट नहीं फटी है, ये सब मैंने किया है, ये ऐसे। ये सब मेरे साथ नहीं करने का, ये सब उन पिद्दियों के साथ करने का, समझा? मोंटू बॉस समझ गया, मैं उन पिद्दियों के साथ ही करने वाला हूँ। आपका जो इंसल्ट किया ना उसका बदला लूंगा बॉस मैं। अरे बॉस अब आएगा मजा। महाविनाशिनी के साथ खेल खेलना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारे हर चाल की सजा दूंगी तुम्हें रानी पारी। तुम्हें क्या लगता है महाविनाशिनी कि हम इतने बेवकूफ हैं कि असली चाबी को यहाँ ले आएंगे? नहीं महाविनाशिनी, नहीं। खेल तो अभी शुरू हुआ है रानी परी, खत्म नहीं। हाँ लोहावार, खेल खत्म तो अवश्य होगा,
लेकिन सच्चाई की जीत के साथ। तुम सब अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना, लेकिन तुम सब चालाक हो नहीं। तुम्हारा चाबी को पाकर सेना को आजाद करने का सपना बस ऐसे ही धुआं बनकर उड़ जाएगा, जिस तरह से परियां और चाबी धुआं बनकर उड़ गए। इस बात का फैसला अभी हो जाएगा रानी परी कि अच्छाई जीतेगी या बुराई। इस बार चाबी के पहले तुम्हें कैद करूंगी रानी परी। बाकी परियां तो गायब होगी रानी परी, लेकिन तुम हमारी कैद से नहीं बच पाओगी। फिर सारी परियां तुम्हें ढूंढती हुई उस चाबी के साथ मेरे पास आएंगी। ये डरने का समय है रानी परी, हंसने का नहीं। नहीं महाविनाशिनी, ये हमारे डरने का समय नहीं है, बल्कि तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ने का समय है। रानी परी, कहाँ है रानी परी? सेनापति, जाकर परीलोक का कोना कोना ढूंढो। रानी परी और परियां यहीं कहीं होंगी। मुझे वो चाबी किसी भी कीमत पर चाहिए, किसी भी कीमत पर। इसके लिए परियों का या परीलोक का विनाश ही क्यों ना करना पड़े। जा, चाल खेली है ना रानी परी ने मेरे साथ, किसी भी हाल में उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ। जा। रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, जमुई बिहार से राजन राज, सिरोही राजस्थान से कल्पेश सुथार, सूरत गुजरात से वंश शाह, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से प्रदीप चौधरी, फरीदाबाद हरियाणा से आनंद वर्धन, गोपालगंज बिहार से रितेश सिंह कुमार गिरी, कोटा राजस्थान से रुद्राक्ष शर्मा और मुंबई महाराष्ट्र से कृष्णा बहुआ ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा पशु पक्षियों की मदद करते हैं और साथ ही साथ पशु पक्षियों का इलाज भी करवाते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है नांदेड़ महाराष्ट्र की मेघा बुलकोण ने। दोस्तों, मेघा ने हमें लिखकर बताया कि जब वो पार्क में खेल रही थी तो वहां पर उन्हें एक पर्स मिला। उस पर्स में देखने पर उन्हें पर्स में एक पैन कार्ड और कुछ पैसे मिले, लेकिन मेघा ने अपनी प्रमाणिकता का अच्छा उदाहरण दिया और उस पैन कार्ड की मदद से उस आंटी तक पहुंचकर उनका पर्स उन्हें लौटा दिया। बहुत अच्छे मेघा, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। तो दोस्तों, अगर मेघा की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए sabtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।